आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 30 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन उस लिस्ट में एक नाम ऐसा है जिसने काफी लंबे अरसे के बाद इस दिन को देखा है, इस दिन का काफी लंबा इंतजार किया है। हम बात कर रहे हैं उन्नाव से MLC उम्मीदवार रामचंद्र प्रधान की, जिनको BJP ने प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि इनके साथ प्रत्याशी मंत्री बन चुके थे, लेकिन 2013 से BJP में रहकर संघर्ष कर रहे रामचंद्र प्रधान को आखिरकार अपना मुकाम मिल ही गया और अब MLC की लिस्ट जारी हुई है। और उस लिस्ट में उन्नाव सीट से BJP ने रामचंद्र प्रधान को MLC प्रत्याशी बनाया है। इस दौरान प्राइम टीवी ने उन्नाव से MLC उम्मीदवार रामचंद्र प्रधान से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसके चलते अब BJP ने पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें 30 कैंडिडेट की लिस्ट उन्होंने जारी की है, जिसमें रामचंद्र प्रधान जी को भी मौका दिया गया है। तो इस वक्त हमारे साथ रामचंद्र प्रधान जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आखिर वो क्या कहेंगे इस पर, उनकी प्रतिक्रिया के जानने के लिए सीधे बात करते हैं रामचंद्र प्रधान जी से। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपको ये मौका दिया गया है। जी धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा रामचंद्र जी, ये बताइए कि अभी काफी सालों बाद आपको इस तरीके का मौका दिया है, पार्टी ने एक अच्छा अहम पद देने की एक घोषणा की है एक तरीके से, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? हमारी पार्टी का तो ये नारा है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, कभी चीजें कुछ देर मिलती हैं, लेकिन पार्टी इस बात का ध्यान रखती है। जो लोग पार्टी में अपनी निष्ठा के साथ काम करते हैं तो निश्चित पार्टी उनको मौका देती है, उसी के तहत हम लोगों को मौका मिला है। जी। बाकी सर, ये है कि हमेशा से आप दलित और पिछड़े वर्गों के साथ रहे हैं, पासी सेन समाज के अभी लोगों के साथ भी आप खड़े रहे थे, जिसमें आप मतलब अभी विधानसभा में जब आपको टिकट नहीं दिया गया था उस वजह से काफी नाराजगी थी, अब आपको मौका दिया गया है तो अब आप उनके लिए क्या करेंगे उनके लिए? नहीं, समाज में नाराजगी थी और होना स्वाभाविक है, किसी भी समाज में होती है, लेकिन मेरे अंदर नाराजगी नहीं थी। मैंने तो आप भी उस समय मिली थी तो मैंने बहुत कायदे से सबको समझाया भी था कि ये नहीं होता भाई, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे लोग हैं, पार्टी के साथ भी तमाम चीज़ें होती हैं, कब किसको कहाँ मौका देना है, लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ा देर से भले ही सही लेकिन मौका मिलता ज़रूर है। इसलिए जो अब हमको भले ही मौका उस समय विधानसभा में नहीं मिला, लेकिन मैं नाराज नहीं था। मैं पार्टी समझता था कि मौका निश्चित मिलेगा मुझे, तो मैंने पार्टी में जो पार्टी ने दायित्व दिया था मुझे उसको मैंने बखूबी निभाया और उस पर काम किया और पार्टी को जिताने का काम किया, जो आगे बढ़ा। प्रधान जी, अब आपकी क्या रणनीति रहेगी इसको लेकर, जिस तरीके से अभी मौका दिया गया है तो अब आप किस मुद्दों को लेकर उतरेंगे? देखिए, ये चुनाव जो होता है स्थानीय निकाय का चुनाव है, इसमें BDC प्रधान सभासद विधायक MP ये लोग वोट करते हैं, ये प्रतिनिधियों का चुनाव होता है और प्रतिनिधि हमारे, चूंकि हमारी आप देख रहे हैं अभी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है जनता ने, तो उसी के प्रतिनिधियों का ये चुनाव है, प्रतिनिधि लोग चुनाव करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी, इसलिए कि एक मोदी योगी जी पे लोगों को भरोसा है और उसी भरोसे के साथ हम लोग चुनाव जीतेंगे। अच्छा प्रधान जी, क्योंकि काफी सालों बाद आपको ये मौका दिया गया, जैसे योगी जी एंड मोदी जी ने आपको एक मौका दिया है, तो उनकी उम्मीदों पे किस तरीके से खरा उतरेंगे, किस तरीके से अपनी एक पैड बनाएंगे, किस तरीके से आप उनका विश्वास जीतेंगे? नहीं, हमारी जो पार्टी की नीति रीति है हम उस पर काम करेंगे, उसी पे हम करते चले आए, इसी को हम और आगे बढ़ाएंगे। जो हमारी पार्टी की नीति है, सरकार की योजनाएं हैं, जो भी चीज़ है उस पर हम आगे काम करेंगे। एक जैसे हम कार्यकर्ता बन के काम करते तो वैसे विधायक बन के काम करेंगे, जैसे सारे विधायक, देखिए हमारे विधायक जी बैठे हुए हमारे बगल, ये सब हम सब एक कार्यकर्ता हैं, पद अपने अपनी जगह पर अलग अलग हो सकते हैं। तो जो हमारी पार्टी की नीति है, रीति है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस पर काम करेंगे। जी, वैसे तो योगी जी ने काफी विकास के काम किए हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने की हैं, अपनी तरफ से भी आपने कोई एजेंडा रेडी किया है कि आप उस पे आप काम करना चाहेंगे? मैं इस पे
आपसे कहना चाहता हूँ कि जो जिस पद का दायित्व तो मुझे मिलेगा जी। जैसे स्थानीय निकाय का मैं प्रतिनिधि बन के विधानसभा में जाऊँगा तो स्वाभाविक है कि जिनके हम प्रतिनिधि बन के जाएंगे उनकी समस्याओं को हम विधानसभा में विधान परिषद में उठाने का काम करेंगे, उनकी बात करेंगे, उनका प्रतिनिधित्व जब हम करेंगे तो स्वाभाविक है उनकी बात करेंगे जी। इसलिए और बाकी जो हमारी सरकार की पॉलिसी है वो जनहित में होती है उस पर हम आगे काम करेंगे। और हमने अभी बात की रामचंद्र प्रधान जी से, जिनको बीजेपी ने एक मौका दिया है, काफ़ी सालों बाद एक मौका दिया है और उन्होंने आज यहाँ पर अपनी एक उम्मीदवारी घोषित किया, आगे वो किस तरीके से काम करेंगे। और अभी हमारे साथ बीकेटी के विधायक योगेश शुक्ला जी भी हमारे साथ में मौजूद है, उनका क्या कहना है इस पर, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। तो योगेश जी, आपको किस तरीके से, आपको कैसा लग रहा है कि अभी काफ़ी सालों बाद आज रामचंद्र प्रधान जी को इस तरीके से मौका दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? प्रधान जी संगठन पे काफ़ी लंबे समय से काम करते रहे हैं, इसके पहले भी वो MLC रहे हैं और जो सदन में उन्होंने क्षेत्र की समस्या को, प्रदेश की समस्याओं को उठाया है, मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधान जी पूरी तरीके से जो उन्नाव और बाराबंकी के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी समस्याओं से अवगत हैं और उन समस्याओं को उठाएंगे, उनका निस्तारण करेंगे। साथ में जो हमारी सरकार की नीतियां हैं जी, जिस तरीके से जो प्रगतिशील नीतियां हैं उनको भी लागू करवाने का क्षेत्र में काम करेंगे जी। और आपका किस तरीके से सहयोग रहेगा प्रधान जी को? हम लोग सहयोगी हैं जी। निश्चित तौर पे मुझे मालूम है कि हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं जी। इतना हम लोग काम कर चुके हैं जी। प्रधान भी हमारे साथ हैं, BDC भी हमारे साथ हैं, जितने भी पार्षद हैं, जितने विधायक हैं, सभी विधायक हमारे हैं वहाँ, एक दो को छोड़ करके, तो बहुमत के साथ हम लोग जीतेंगे जी। तो लगता है 2022 का जो विधानसभा चुनाव जो बीजेपी के पक्ष में हुआ है, विधान परिषद का चुनाव भी बीजेपी के पक्ष में ही होगा पूरी तरीके से, उससे भी बेहतर तरीके से हम लड़ेंगे जी। और उससे भी बेहतर नतीजे आएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ हमारे साथ में बीजेपी के BKT से विधायक योगेश शुक्ला भी हमारे साथ में मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पैठ बनाई है, उसी तरीके से विधान परिषद के चुनाव में भी बीजेपी ही पूर्ण बहुमत के साथ अपनी पैठ बनाएगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं श्वेता गर्ग, Prime TV लखनऊ। तो आपने सुना हमारी संवाददाता श्वेता गर्ग ने बात करी MLC उम्मीदवार रामचंद्र प्रधान से, जिन्होंने सबके साथ सबके विकास की बात कही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।